नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम ब्लॉगर। तो दोस्तों अभी हम निकल के आ रहे हैं अपने फिजिकल देखे नेवी का। अभी अभी पीछे सारे निकल के आ रहे हैं लाइन से। ये देखिए थर्ड शिफ्ट, आज तीन शिफ्ट में मतलब लोगों को लिया गया है पूरी नेवी में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों अभी सेकेंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और बिठाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीमेडिकल वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और लाइन में बिठाया जा रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के रीमेडिकल वाले कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तीन शिफ्ट में लोगों का फिजिकल लिया गया है और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। हम 5:30 बजे, हमारी पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट वाले 5:30 बजे फ्री हो गए, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन और PFT दे के। तो अच्छा, अभी भी लाइन से जा रहे हैं सभी। सही है, ये है अपना देहरादून का नेवी का एग्जामिनेशन फिजिकल सेंटर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और कंटेस्टेंट। जय फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसा गया आपका एग्जाम और PFT वगैरह सब कुछ? बहुत अच्छा गया भाई। अच्छा है, तो बताना चाहेंगे क्या क्या, मतलब उसमें क्या क्या फिजिकल में क्या क्या दिया गया था? कितने फिजिकल में? वही 6:30 में, मतलब एक्यूरेट टाइम था और 6:30 में रनिंग निकालना ही है, वो चाहे जितने का। अच्छा, तो अपनी पहली शिफ्ट में कितने बंदे आए थे? मतलब समथिंग 100 से लेकर 110 तक, 59 सेलेक्ट हुए और सब रीमेडिकल। और रीमेडिकल में, और रीमेडिकल में अप्रॉक्स 15 के लिए। अच्छा, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के निकल आए हम बाहर। फाइनली दोस्तों अपना हो ही गया एग्जाम फिजिकल, PFT जो भी होता है। तो दोस्तों अभी इनसे पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं अपना। और बताओ भाई, कैसा गया तुम्हारा फिजिकल? सर बहुत अच्छा गया, बहुत आसान था फिजिकल। अच्छा, और कोई कौन से वाले सेक्टर में थे पहली में? मेडिकल आर्ट कर रहे हैं बस। अच्छा, मेडिकल आर्ट कर रहे हैं। कैसे पता चल रही है कि निकाल भी रहे हैं, मतलब फिजिकल में निकाल रहे हैं भाई, प्लस रीमेडिकल भी दे रहे हैं बालक। इस बात तो रनिंग में भी बहुत निकाल रहे हैं, रनिंग में बहुत निकाल रहे हैं। बात ये कि एक हाथ का पॉइंट हाइपर हाइड्रोलाइसिस जो भी है, प्लस दो तीन अलग अगर हेवी पॉइंट बनना तुम्हारा तो निकाल। अपनी शिफ्ट में से पहली वाली में कितने? 42 निकल गए। हां, 42 निकल गए भाई, बहुत टफ हो रहा है फिजिकल, रनिंग बहुत हो रहा है, निकाल रहे हैं उसको। सही बात है, और तो सब ईजी है, पर रनिंग में निकाल रहे हैं सभी। अभी तो हम अपने उसके सामने, ये सेंटर के सामने है, तो भी बस मिल नहीं रही, बस आ नहीं रही है, ऑटो चल नहीं रहे यार, चाह तो रहे पर वो ले जा नहीं रहे हैं यहाँ पे यार। हम देहरादून में यार कमी नहीं लग रही मेरे को, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया यार खड़े खड़े हमें। दोस्तों मुझे तो ऑटो तो मिला नहीं, पर मुझे अंकल जी मिल गए, बहुत ही अच्छे अंकल जी हैं। इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी यहाँ से घंटा करके लिए, वहाँ से पकड़ लूँगा मैं ऑटो। तो बाय हार्ट अंकल जी, आपका बहुत ही धन्यवाद। अरे बढ़िया, कौन है भाई? अंकल जी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने घंटाघर से थोड़ा आगे छोड़ दिया मुझे, वो अपने रूट पे निकल गए। उन्होंने बता दिया इधर जाएंगे सीधा अग्रवाल धर्मशाला पहुंच जाएंगे, तो मैं अब अग्रवाल धर्मशाला ही पहुंचता हूँ, वहाँ पे सभी है मेरे ग्रुप के। यार देहरादून में ऑटो वालों ने तो लूट मचा रखी है। मैंने पूछा इधर से, जैसे मैंने लोकल के उनसे पूछा था अंकल से कि यहाँ से प्रिंस चौक कितनी दूर है, वो बता रहे 1 किलोमीटर। तो मैंने बोला कि अंकल, मैंने फिर ऑटो वाले से पूछा कितने में ले जाओगे, तो बोला 70 रुपये में। यार लूट मचा रखी है, 1 किलोमीटर की 70 रुपये कौन देगा? तो भाई मैंने तो पैदल ही फिर लेना वो कर दिया है, वैसे लिफ्ट मांग सकता हूँ, मांगूंगा ये, और क्या है 70 रुपये में कौन जाएगा यार। तो अभी पैदल चल रहा हूँ अपने लक्ष्य की तरफ। दोस्तों अभी मैं पैदल चलते चलते थोड़ी दूर था अपना ये जैन धर्मशाला, मतलब देहरादून में धर्मशाला है दोस्तों, बहुत ही सस्ती और बढ़िया जगह है, अगर रुकने के लिए बहुत ही सस्ती जगह है, आप कभी आओ तो। ये जैन धर्मशाला और ये अग्रवाल धर्मशाला, दो धर्मशाला तो है मेरे अब तक मैंने देख ली है, क्योंकि पास ही मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी आगे है, थोड़ा सा ही आगे चल के ये दो धर्मशाला मिल जाती है, तो देख लेना अपने हिसाब से। अब इससे आगे अग्रवाल है जैन, ये तो जैन धर्मशाला थी, आगे अग्रवाल है, तो अग्रवाल पे चलते हैं, वहीं पे अपने ये थोड़ा सा ही आगे। तो दोस्तों हम बात करते करते ये देखिए अग्रवाल भवन, ये आ गए अपनी अग्रवाल धर्मशाला पे, जो कि वहाँ से हाथ करके 50 मीटर दूर है, यहीं पे ठहरे हैं अपने दोस्त। मैं आ गया हूँ अपनी इस धर्मशाला के अंदर, 73 रूम नंबर में मेरे दोस्त हैं, वहीं चलते हैं आराम से। भाई बहुत परेशान हो गए, सुबह की 6 बजे वाली शिफ्ट में शाम के 6 बज गए, कितने घंटे हो गए, इतने घंटे बिना कुछ खाए पिए, बस एक पेप्सी की बोतल थी वही। अब चलते हैं भाई, ये खड़े हैं अपने 73 में, चंद नहीं खदूर है, बाकी 70 रुपया मांग रहे हो यार। और
घूमिला काका घूम लो बताया तो दे ऋषिकेश कहाँ घूमिला है बताया तो दे काका घूमिला है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 8 और मुझे लग रही है सभी रहते भूखा बहुत कसे के जोरदार है। अब हम जा रहे हैं भाई कल डला में चिल्ली लेमन चिल्ली वाई में जो कि हम पहुंच भी गए थोड़ा सा दूर है अपने भाई कौन सी धर्मशाला ही अग्रवाल धर्मशाला से हमने रोड क्रॉस करते ही चिल्ली। तो भाई ओमकार अभी भी अभी मुझसे 8 घंटे पहले खाके निच्चू हो चुका है मेरा नंबर है। तो दोस्तों मैंने ऑर्डर किया है 1/4 कढ़ाई पनीर। इसी के साथ अपनी दूसरी दिन की अपनी देहरादून की ट्रिप की ब्लॉग समाप्त होने की कगार पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करें सब्सक्राइब करें अगर नए हो चैनल पे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।